व्यूअर्स, एक जिंदा कैट को जो है ब्लेंड कर दिया गया है किसी आदमी या औरत की तरफ से जूसर मशीन के अंदर। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी या आपने उस वीडियो के बारे में सुना होगा। कैट को ब्लेंड करने के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो जो है ट्विटर पर अपलोड की गई है जिस पर मिलियंस में व्यूज़ आए हैं और ये बिल्कुल अभी की वीडियो है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पुरानी वीडियो है। देखिए, जो पुरानी वीडियो है वो बिल्कुल एक अलग वीडियो है जो यूट्यूब पर 13 साल पहले अपलोड की गई थी और उस वीडियो पर 5.5 मिलियन व्यूज़ हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में ना ही किसी जिंदा कैट को ब्लेंड किया गया है, ना ही ओवन में रखा गया है, बल्कि वो एक डमी है, एक फेक कैट है जिसको यूज़ किया गया है और वो बिल्कुल वीडियो सही है जब भी अब तक यूट्यूब पर मौजूद भी है। लेकिन अब जो कैट को ब्लेंड करने के हवाले से न्यू वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर वायरल हुई है, उस वीडियो के अंदर जो कैट यूज़ हुई है वो कैट भी बिल्कुल रियल है और उसको रियल में ब्लेंड किया गया है। कैट को ब्लेंडर मशीन में डालकर ज़िंदा ब्लेंड किया गया है उस वीडियो में। मैं वो वीडियो आपको यहाँ दिखा नहीं सकता यूट्यूब पर, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर वो वीडियो सेंड कर दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप पेट लवर हैं या आप कैट लवर हैं तो आप वो वीडियो हरगिज़ ना देखें, क्योंकि आप नहीं देख सकेंगे। कैट को ब्लेंडर मशीन में बुरी तरीके से काट दिया गया है और कैट बुरी तरीके से चीख रही है और उस वीडियो में कैट को बुरी तरीके से कटते हुए और खूनम खून होते हुए वाजे तौर पर देखा जा सकता है। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये वीडियो किस कंट्री से अपलोड की गई है और इस कैट को ब्लेंड करने में किस शख्स का हाथ है। लेकिन सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगा। इस पिक्चर को देखकर आपको भी यही लगा होगा कि इसी कैट को ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड किया गया है, जबकि हकीकत में ये वो कैट नहीं है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग इसी कैट को ब्लेंड होने वाली कैट समझ रहे हैं, जबकि जिस कैट को ब्लेंड किया गया है उसका फेस आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आधा वाइट है और ये एक बिल्कुल अलग कैट है जो कि रियल में कुछ इस तरीके की दिखती होगी। और जो जूसर मशीन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो भी बिल्कुल अलग है। जिस ब्लेंडर मशीन में कैट को ब्लेंड किया गया, जब उस ब्लेंडर मशीन को जूम किया गया तो हमें पता चलता है कि इस ब्लेंडर मशीन पर चाइनीज़ से कुछ लिखा हुआ है। कैट को ब्लेंड करने वाला शख्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन इस ब्लेंडर मशीन को देख कर ये बात साबित होती है कि कैट को ब्लेंड करने में किसी एशियन बंदे का हाथ नहीं है, ना ही उस बंदे का ताल्लुक इंडिया से है, ना ही पाकिस्तान से, ना ही बांग्लादेश से, क्योंकि ऐसी ब्लेंडर मशीन इन कंट्रीज में यूज नहीं होती। लेकिन कुछ अच्छे हैकर्स ने यह टास्क लिया कि वो इस बंदे की लोकेशन को फाइंड कर ही रहेंगे और वो उसकी लोकेशन तक पहुंच ही गए। जब उन्होंने सर्च किया कि ये वीडियो किस कंट्री से पहली बार अपलोड की गई है तो आखिरकार हैकर्स उस कंट्री को ढूंढने में कामयाब हो गए। अब आप गैस करें वो कंट्री कौन सी होगी। जी हाँ दोस्तों, वो कंट्री है चाइना, जहाँ के किसी आदमी या औरत ने बड़ी बेरहमी के साथ बिल्ली को ब्लेंडर मशीन में खूनम खून कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब देखना यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इस शख्स को सज़ा देती भी है या नहीं, और अगर सज़ा देती है तो आपने कमेंट में बताना है कि इस शख्स को कैसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, ये एक हदीस है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नम में हमेशा के लिए भेजा जाएगा कि उसने एक बिल्ली को जो है बांध कर रखा, ना ही उसको खाना दिया, ना ही पानी दिया और ना ही उसको छोड़ा कि वो कहीं जाकर ख़ुद से कुछ खा सके, और वो बिल्ली भूखी प्यासी वहीं बंधे बंधे मर गई। बिल्ली पर यह जुल्म करने की वजह से उस औरत को जहन्नम में भेजा जाएगा। देखिए, ये जानवर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही पैदा किए हैं। जब तक ये जानवर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें ऐज़ा नहीं देते, हम इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, हम इनको परेशान नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ लोग आते जाते बिल्लियों को, कुत्तों को पत्थर मारते हैं, परेशान करते हैं और बिना किसी वजह के उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। मैंने आज तक आपको शेयर करने का नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके, ये सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।